हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक के डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कल आप लोगों को जो है कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, साथ ही साथ हम लोग कौन कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग किस लेवल पर ट्रेड करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है निफ्टी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी में देखते हैं। तो निफ्टी में अगर आप चार्ट देख रहे हैं, ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी क्लियर आपको एक रेंज बाउंड दिख रहा है 16,000 के ऊपर जो है, ये आपको 16,220 और जो है 16,290 इस रेंज में जो है बिल्कुल एक आपको कंसोलिडेट कर रहा है। इस 16,000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद एक बार इसने ऊपर की साइड ब्रेक करने का कोशिश किया, बट फिर से जो है ये आपको इसी रेंज में आ गया। अब हम लोग इस रेंज अभी करंट सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, कल के सेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो कल के सेशन में हम लोग सिंपली कर सकते हैं, अगर मार्केट आपको फ्लैट खुलता है या 20-30 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे। एक कैंडल जो है आपको 16,300 के ऊपर आप बनने दीजिए। अगर एक कैंडल आपका 16,300 के ऊपर बुलिश कैंडल बनता है, जैसा ये कैंडल बना है, अगर सेम इसी टाइप का कैंडल अगर 15 मिनट के चार्ट में बनता है तो फिर आप सेम कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि आपको 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि अभी के मार्केट में ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने से फ़ायदा नहीं है, मार्केट थोड़ा वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा है तो आपका जो है स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हो रहा है। तो इसी वजह से जो है अगर इसको निकलना होगा, अगर निफ्टी को आपको मूवमेंट करना होगा तो जैसे ही कैंडल 16,300 के ऊपर क्लोज होगा जो है, तो फिर आपको एक जो है इसमें निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की साइड दिख सकता है। पहला टारगेट आपका होगा 16,350 का, और उसके बाद जो है अगर 16,350 को क्लोज करके ये कैंडल क्लोज होता है 15 मिनट का या 5 मिनट का, तो फिर आपको जो है 16,400 तक का रैली देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड हम लोग का ये प्लान रहेगा अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो। अगर सपोज मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाता है, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है, अगर ऑलरेडी आपको 16,400 के पास खुलता है, तो फिर जो है आपको वेट करना है। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेना और फिर जो है आपको एक बार प्राइस एक्शन देखना होगा जो ऊपर जाके, अगर मार्केट सपोज ऊपर गया और फिर पुलबैक का आपको वेट करना होगा, और पुलबैक के बाद अगर फिर से ये अपने हाई को तोड़ता है तो फिर जो है आप स्विंग लो के स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर लेना। क्योंकि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, 100-120 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको फेवरेबल नहीं रहेगा रिस्क रिवार्ड रेशियो से। तो इसी वजह से अगर फ्लैट खुलता है उसके बाद अगर 15 मिनट का कैंडल 16,300 के ऊपर क्लोज होता है तो आप लोग जो है उस टाइम में ट्रेड ले सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस जो है सेम कैंडल का लो होगा। क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो आपको जहाँ पे ये क्लोजिंग दिया है, ये एरिया जो है आपको एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो इसलिए जो है ये सेफ जगह रहेगा ट्रेड लेने के लिए। अगर ज़्यादा ऊपर खुलता है तो फिर जो है आपका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाएगा, तो वो चीज़ सही नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सपोज गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे की ओर मार्केट निकलता है, तो नीचे की अगर और मार्केट निकलता है और अगर 16,200 को ब्रेक करके मार्केट 15 मिनट में क्लोज होता है, तो फिर जो है आपको नीचे की साइड जो है 100 पॉइंट के आसपास का एक अच्छा जो है फॉल दिख सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक गैप भी है, तो ये गैप फिल करने के लिए भी मार्केट आ सकता है, और नीचे जो है फिर आपको 16,100 पे ही जाके मार्केट हॉल्ट करेगा। तो अगर नीचे की साइड 16,200 को ब्रेक करके 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, तो सेम उसी कैंडल का हाई को लेके, क्योंकि अगर नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो सेम यही जोन जो है आपको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इसको, तो इसी वजह से जो है सेम इसी लेवल पे आप जो है अपना स्टॉप लॉस रख के, और फिर जो है यहाँ पे आपको इजीली 1:2 मिल जाएगा। अगर नीचे बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर आप नहीं करना ट्रेड, छोड़ देना, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। काउंटर ट्रेंड करना मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ही करना, अगर एक्सपीरियंस नहीं हो तो मत करना काउंटर ट्रेंड, ट्रेंड के साथ रहो। अगर अप ट्रेंड में है, अगर छोटा स्टॉप लॉस के साथ मिल रहा है तो आप कर सकते हो, अपना छोटा सा पोर्शन को आप स्टॉप लॉस अगर रखना चाह रहे हो 20-25 पॉइंट का, अगर आपको सूटेबल स्टॉप लॉस लग रहा है तो इस केस में आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन प्रीफरेबल नहीं रहता है काउंटर ट्रेंड करना अनलेस अनटिल आपको एक्सपीरियंस हो। तो ये निफ्टी के लेवल हुए, अगर फ्लैट खुले और ऊपर की साइड 16,300 को ब्रेक करता है तो हम लोग बाय करेंगे, नीचे की साइड 16,200 अगर ब्रेक करता है तो सेल कर सकते हो,
बट स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहेगा इसी कैंडल का आपका हाई। और अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर वेट कर लेना, और ज़्यादा गैप अप भी होता है फिर भी आपको वेट करना है पुल बैक का। अब चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम सीन है। बैंक निफ्टी भी आपको जो है 250 पॉइंट के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये भी आपको 35700 से लेकर 36000 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 36000 के ऊपर ये क्लोजिंग आपको नहीं दे पा रहा है। बैंक निफ्टी में भी हम लोग को सेम करना है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है 5200 पॉइंट का अगर गैप अप खुलता है और उसके बाद अगर ये 36000 को ब्रेक करता है, तो 36000 को अगर ब्रेक करता है तो सेम इसी कैंडल का लो लेके 50-60 पॉइंट का इंट्राडे में आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना है। उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना, उससे ज़्यादा क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से ज़्यादा डीप स्टॉप लॉस अभी नहीं रखना। मार्केट अभी स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस भी रखते हो तो ये अगर आपको रेंज दिख रहा है, इस रेंज में मार्केट ने लास्ट के सेशन में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, तो अब ये जोन जो है ये आपको एक अच्छा इसमें आपको सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये लेवल जो है आपको सपोर्ट का काम करेगा। तो एक बार के लिए वेट कर लो। 36000 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होता है तो फिर जो है आप ट्रेड ले सकते हो। सेम जो है इसी कैंडल का लो लेके लेना, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, और जो है टारगेट आपको 1:2 का रहेगा। सिमिलरली अगर निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, अगर ऑलरेडी आपको 36,250-36,300 के आसपास ओपन होता है, तो आप लोग जो है एक बार के लिए वेट कर लेना। 5 मिनट के चार्ट में स्विच करके पुल बैक का वेट करना। अगर पुल बैक मिलता है तो ही आप लोग जो है, और उसके बाद फिर अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है तो फिर आप लोग ट्रेड करना, वहाँ पे आपको छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा। या फिर जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा, अगर मुझे कुछ एंट्री दिखेगा गैप अप ओपन होने के बाद तो मैं जो हूँ वहाँ पे आपको अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे की साइड अगर 35700 को बैंक निफ्टी भी ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में भी एक आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। मेनली अभी मार्केट इसलिए कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट 16000 को ब्रेक 4-5 स्टॉक की वजह से ही किया है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये सब स्टॉक्स की वजह से ही जो है आपको मार्केट जो है 16000 को ब्रेक किया है। तो इसी वजह से और मेजर स्टॉक में जो है आपको रिकवरी देखने को मिल रही है, थोड़ा पुल बैक आ रहा है, तो इसी वजह से जो है मार्केट आपको ऑल इन ऑल प्रेशर में है। तो अगर 35700 को नीचे की साइड बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर जो है आपको 35300 तक का लेवल बैंक निफ्टी में इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। लेकिन आप स्टॉप लॉस जो है 50-60 पॉइंट ही रखना, उससे ज़्यादा का नहीं रखना, क्योंकि सेम लेवल जो ऊपर की साइड से इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यही लेवल जो है आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो इसी वजह से इससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना, और नीचे की साइड ब्रेक करता है तो फिर जो है आप लोग इजी ट्रेड ले सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर जो है आप लोग वेट कर लेना, फिर जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके पुल बैक का वेट करना, या फिर अगर ज़्यादा लगे जो मार्केट जो है रेंज से बाहर है तो फिर जो है ट्रेड नहीं भी कर सकते हो तो चलेगा। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट मौका मार्केट खुद देगा। अब चलिए स्टॉक्स में बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आपको टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में है। आईटी सेक्टर ही पूरा का पूरा अप ट्रेंड में है और टेक महिंद्रा भी एक अच्छा आपको अप ट्रेंड में है। लास्ट के सेशन में अगर आप देखेंगे तो ये 1270 और 1260 के पास जो है आपको एक रेंज बनाया है। कल अगर 5 मिनट के चार्ट में 1270 के ऊपर कैंडल क्लोज होता है तो फिर जो है हम लोग इसमें बाई का पोजीशन लेंगे। स्टॉप लॉस आपका 10 रुपये का रहेगा 1260 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट आपका 1:2 या 1:1.5 भी मिले तो आधा पोजीशन बुक कर लेना, रेस्ट को जो है आप लोग आगे के लिए होल्ड कर लेना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो लेकिन पहले एक बार 5 मिनट का कैंडल जो है 1270 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, फिर जो है हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर एंट्री मिलेगा तो हम लोग मैं जो हो वो टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। अब दूसरा स्टॉक है गेल। गेल जो है
मैंने वीकली एनालिसिस में भी इसको जो है रिकमेंड किया है, जो आपको वीकली में भी ये स्टॉक अब काफ़ी अच्छा जो है एक अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है, और 5 मिनट के चार्ट पे भी ये अच्छा दिख रहा है। अगर ये 150 के ऊपर 5 मिनट के चार्ट में क्लोज देता है, अगर इसका कैंडल 150 के ऊपर 5 मिनट के चार्ट में क्लोज होता है, तो हम लोग जो है इसको बाई करेंगे। स्टॉप लॉस आपका जो है 1% का रखना, 1.5 रुपये का होगा स्टॉप लॉस आपका। अगर 150 के ऊपर जहाँ भी आपको एंट्री मिलता है वहाँ से 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपका 2 से 2.5 रुपये का होगा, स्टॉप लॉस जो है आपका 1.5 रुपये का होगा। लेकिन पहले 150 के ऊपर जो है 5 मिनट का एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके बाद ही जो है हम लोग इसमें एंट्री लेंगे। तीसरा एक स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक भी काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में है। लास्ट के सेशन में भी मैंने इसे दिया था, टारगेट नहीं मिला बट आपको जो है इसमें लॉस भी नहीं हुआ था, आपको बहुत ही कम 2-3 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ जो है इसमें एग्जिट करना पड़ा था। तो अब नेक्स्ट जो है कल भी हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, एक छोटा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर अगर पुल बैक नहीं मिलता है और 1500 के ऊपर जो है ये कैंडल क्लोज कर देता है, तो फिर जो है आप 10 से 12 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1490 के नीचे के क्लोजिंग बेसिस पे 5 मिनट के चार्ट पे स्टॉप लॉस रखना। आपका टारगेट जो है 1:2 रहेगा या 1:1.5 मिल जाए तो आप 50-60% पोजीशन जो है इंट्राडे में अपना कवर कर सकते हैं, और जो है रेस्ट पोजीशन को आप लोग होल्ड कर सकते हैं। लेकिन पहले या तो 1500 के ऊपर कैंडल क्लोज होने दीजिए, या फिर पुल बैक होके और फिर यहाँ से एक बार यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल बनाने दीजिए, फिर जो है हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। एंट्री मिलेगा तो मैं जो हूँ वो टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। और लास्ट एक स्टॉक है आपको भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में काफ़ी अच्छा जो है आपको एक मोमेंटम देखने को मिला है और ये 600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब अगर मंडे के सेशन में जो है ये आपको 610 के ऊपर 5 मिनट के चार्ट में अगर एक कैंडल बनाता है, क्योंकि लास्ट में अगर आप देखेंगे तो लास्ट के 1 आवर में जो है ये आपको एक रेंज में ट्रेड किया था, तो अगर ये 610 के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल बनाता है तो हम लोग इसमें भी एंट्री करेंगे। 5-6 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपका सेम 1:1.5 या फिर 1:2 का रहेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।